Hey guys, welcome to my new vlog. तो guys, मैं गया था कॉलेज, कॉलेज से आ गया हूँ घर। अभी टाइम हो रहा 12 बजे। अरे कहना क्या चाहते हो? 12 बजे मतलब कि 12 बज रहा है अभी, इसलिए गुड मॉर्निंग नहीं बोले, अभी गुड इवनिंग का समय है। तो गुड इवनिंग गाइज, नहीं गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं। अच्छा तो गाइज, इधर देखो, एक दिन प्याज रोपे थे तो प्याज, हाँ तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ये देखो गाइज, ये है प्याज, इसको देखो, ऐसे रोपा गया था, देख सकते हो, रोपा गया था मतलब रोपे थे, कितना मस्त दिख रहा है ना। अभी तो छोटा छोटा है, बड़ा होगा तो अरे बल्लर का ही होता है यार। हाँ, और वो उधर लहसुन, अरे लहसुन बहुत बड़ा बड़ा हो गया, सामने से जाके देखते हैं। तो इधर भाजी साग भी मेरा भैया से बुना था, देखो। तो ये भी देखो गाइस, ये है भाजी साग, लाल भाजी, देखो छोटा छोटा है। तो मैं दिखाने के लिए आया था लहसुन, तो देखो ये है लहसुन जो कि बहुत बड़ा बड़ा हो गया, जब होगा तो दिखाएंगे। जब लहसुन इतना बड़ा बड़ा, कितना बड़ा बड़ा होगा पता नहीं, पहली बार रोपे हैं लहसुन गाइस, तो कैसा होगा वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ। और इधर देख सकते हो, मुर्गी घुसेगा बोल के ऐसे घेरान कर दिया गया है, आई उधर तो फट गया है। हाँ तो आधा घेरान किए हैं, देख सकते हो, इधर 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 गोल सा पूरा नहीं किए हैं, इधर फाका है, देख सकते हो। उधर प्रदीप भैया लोग का घर भी है, हाँ दिख रहा है तो, हाँ ये प्रदीप भैया लोग का घर है। और एक बात गाइज, पीछे देख सकते हो आम का पेड़ दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा, तो हाँ दिख रहा है। तो आम का फूल बहुत जोर इस बार हुआ है, आम भी फलेगा गाइज, आम का सीजन आ ही चुका है, आम फलेगा, आम खाएंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे, तो गाइज देखना जरूर, आई एम इज द एक्साइटेड, कब आम फलेगा। इधर देख सकते हो, आलू लगाया था लेकिन आलू हुआ नहीं है अच्छा से, काहे कि पानी नहीं पटाया है बहुत दिन से, 2-3 दिन से सूख चुका है, देख सकते हो। इधर प्याज भी, प्याज में भी पानी पटाना है गाइज। मैं ये स्कूटी से आज गया था कॉलेज, अरे अरे मेरा स्कूटी, मेरा स्कूटी नहीं है गाइस, ये मेरा दीदी लोग का है, लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग का घर में ही रहता है इसलिए मैं ही चलाता हूँ। मेरा पिताजी भी चलाता है, मेरा भैया भी चलाता है, मेरी दीदी चलाने नहीं जानती है। ये देखो यहाँ पर खटिया बाहर रख दिया गया है, देख सकते हो, और लौकी नहीं दिख रहा है गाइस, लेकिन लौकी फलने वाला है, फल भी गया है, देख सकते हो, इतना छोटा छोटा, यही सब तो बड़ा होगा और तो नहीं है। ये मेरा साइकिल बहुत दिन से खराब हो चुका है, जो कि अभी तक बनाए नहीं है, देख सकते हो, ये मतलब खुलता है गाइस, अभी टाइट हो गया है लेकिन ये हिलता है पूरा, इसीलिए मैं आजकल कॉलेज जाता हूँ तो बाइक या फिर स्कूटी ले जाता हूँ, साइकिल में नहीं जाता हूँ। तो हाँ, अपने बारे में ही ज्यादा ही बता रहा हूँ। तो अभी तो फिलहाल धूप दे रहा है, माँ और दीदी सो गई है, तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जब दीदी और माँ उठ जाएगी उसके बाद फिर वीडियो बनाएंगे, देखना बने रहना वीडियो में, बने रहना व्लॉग में कंटिन्यू, ठीक है। तो इसको देखो, ये कहाँ गई थी, ओ ओ कहाँ गई थी, टिंग टन। तो गाइस मैं बोल रहा था ना कि पानी नहीं पटाए हैं बोल के, तो माँ पानी पटा रही है। इधर देख सकते हो, ये देखो प्याज में, आलू में, आलू में नहीं पटाई है, ये इधर आलू रोपा गया है, इधर प्याज है, प्याज में पानी पटा रही है माँ, उधर लहसुन तो भी पटा दी ना का ना, मैंने तो काम नहीं किया, माँ पानी पटा रही है, मैं वीडियो बना रहा था, मतलब वीडियो एडिट कर रहा था, तो इसीलिए मैं पानी पटाना नहीं आया, माँ पानी पटा भी ली, खत्म भी कर दी। इधर भाजी साग जो बोल रहे थे उधर भी पानी पटा दिया शायद, देख सकते हो। इधर देखो गाइस, यहाँ पर भाजी साग बुन दिया गया है जो कि छोटा छोटा हो भी गया है, और उधर धनिया है जो कि धनिया का तो फूल हो गया गाइस, देख सकते हो, होने से भी माँ पानी पटा दी है, धनिया होगा ना हाँ फूल हो गया तो उसको नहीं पटाएंगे बोल रही है, मतलब होने से पटा दी है, धनिया होगा, धनिया फार, हाँ गाइस फूल 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 गया ना, इसका मतलब फार होगा, वो धनिया मसाला बनता है वही अलग हो जाएगा हाँ किरण भाग गया। ऐसे तो पानी पट के खत्म हो ही चुका है, आलू में नहीं पटाएगी पानी, आलू ये देखो गाइस, आलू एक एक को निकला है, लेकिन देख सकते हो, ये देखो गाइस एक आलू निकला है, हाँ।
तो हाँ गाइस होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे पहले भी एक बार रोपे थे, उस समय तो नहीं हुआ, पहले भी एक बार इधर रोपे थे लेकिन हाँ पानी नहीं पटा इसलिए सर मर गया। हाँ पानी नहीं पटाए और मुर्गी चरके 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 इधर उधर कर दिया आलू सबको, कहाँ जिंदा होगा, तो इसलिए मर गया था। इसका मतलब और एक बार रोपा गया है, अभी तो फिलहाल हो ही गया है, मतलब कि हो गया है, एक एक गो निकल भी गया है। तो हाँ गाइस ऐसे तो मैं घर में ही आज हूँ दिन भर। तो आज का व्लॉग एंड करने से पहले इधर देखो गाइस, बेर का पेड़ देख सकते हो, सरस्वती पूजा खत्म हो गया लेकिन अभी तक यहाँ का बेर पका नहीं है, कब पकेगा पता नहीं। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल बनाया हो तो सब्सक्राइब कर देना। अभी शादी का सीजन पहुंच रहा है तो शादी घर जाएंगे तो वहां जाने का व्लॉग अलग टाइप का बनाएंगे, और देखना जरूर, बने रहना व्लॉग में, ठीक है। कुछ अलग करने का सोचे हैं और वो क्या सोचे हैं वो तो अगला व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला मतलब कि जब मैं शादी घर जाऊंगा तब व्लॉग बनाऊंगा, उसके बाद ही आप लोग देखिएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, खत्म। तो ये देखो गाइस, यही बेर का बारे में बोल रहा था मैं, देखो इतना कच्चा कच्चा है बेर सब, मतलब कि पका ही नहीं, एक भी नहीं पका बेर, देख सकते हो सब कच्चा है गाइस, हरा हरा दिख रहा ना, सब कच्चा है, कब पकेगा पता नहीं। सरस्वती पूजा खत्म हो गया, देखो सरस्वती पूजा से पहले बेर पकता है बोलता है, लेकिन ये बेर का पेड़ में तो बेर पका ही नहीं है, इतना फला है ना कि मत ही बोलो, देख सकते हो कब पकेगा तो खाएंगे, उससे पहले भी खा लेते हैं, कच्चा में भी अच्छा ही लगता है। ओह खत्म।